इन दिनों बड़े शहरों की तर्ज पर चाय पान गुटखा तंबाकू सुट्टा की दुकानें रीवा में भी संचालित हो रही हैं। महानगर की ओर बढ़ रहा रीवा विकास के नाम पर जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ ही रहा है, अपराध जगत में जरूर नाम कमा रहा है। बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल रही दुकानों में युवक युवतियों का जमा बड़ा लगता है, जहां आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। ताजा मामला समान थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में संचालित चाय सुट्टा बार दुकान का है, जहां दो दर्जन युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट करते हुए दुकान में तोड़फोड़ की है। बताया जाता है कि अचानक हुई घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर और पीड़ित के बयान के अनुसार दो दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित की माने तो मारपीट करने वालों में मंटू मिश्रा निवासी ढेकहा, सुमित जायसवाल, नितिन सिंह, आशीष साहू के साथ लगभग डेढ़ दर्जन अन्य लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि विपिन गुप्ता निवासी द्वारिका नगर चाय सुट्टा बार नाम से दुकान संचालित करता है, जिसकी दुकान में पहुंचे युवकों ने जमकर तोड़फोड़ करते हुए हंगामा किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।